नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत करती हूँ आपका मेरी YouTube चैनल जीके स्पेशल क्लास में। आपका हमारा चल रहा है विद्यार्थियों बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में हमने बहुत सारे पॉइंट पढ़ लिए विद्यार्थियों, जिसका आज मैं पहले नहीं लास्ट में आपको बताऊंगी। हम रोज पहले रिवीजन कर करके चलते हैं, सारे जो पढ़ाया है वो पहले एक बार रिपीट करके फिर आगे चलते हैं। आज ऐसा नहीं करूंगी, आज दो ही पॉइंट बच्चे हैं बौद्ध धर्म में, ये करके फिर हम पूरे एक बार देख लेंगे, फिर हम पढ़ेंगे जैन धर्म। तो देखो विद्यार्थियों, मैंने व्रत लिख दिया, ये बौद्ध है, ये ऐसा है बौद्ध धर्म। देखो विद्यार्थियों, बौद्ध धर्म क्या है? बौद्ध धर्म की मूर्तियां, बौद्ध धर्म की आज पॉइंट है विद्यार्थियों, बौद्ध धर्म की मूर्तियां। भारत में मूर्ति कला की दो शैलियां प्रचलित है हुई है, जो कि निम्नलिखित है। भारत में मूर्ति कला के विद्यार्थियों दो शैलियां प्रचलित हुई है। कितनी हुई है? दो। कौन कौन सी? आपको ऐसे लग रहा होगा इसमें से क्या प्रश्न आएगा विद्यार्थियों, आप देख लो पिछले पेपर उठा के देखो, एक एक प्रश्न आया हुआ है। जो मैं बोल रही हूँ वैसे सेम टू सेम वो ही पूछा गया है। तो देखते जाना, बौद्ध धर्म की मूर्तियां। भारत में मूर्ति कला की दो शैलियां प्रचलित हुई है, जो कि निम्नलिखित है, मथुरा शैली, गांधार शैली, इंडो ग्रीक शैली। आज विद्यार्थियों में जो मतलब पढ़ा रही हूँ उनके एक एक प्रश्न निकाल के आपके लगा दूंगी, प्रश्न निकाल के आपके वॉल पेपर यानी मेन हेडिंग ये ही लगाऊंगी आज की, यही रहेगा वीडियो में हमारे। आप देख लेना कौन कौन से प्रश्न है। वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक बार प्रश्न देख लेना आप। चलो विद्यार्थियों, मथुरा शैली, गांधार शैली, इंडो ग्रीक शैली। मथुरा शैली, गांधार शैली, इसी को बोलते हैं इंडो ग्रीक शैली। विषय वस्तु क्या है? मथुरा शैली की विषय वस्तु क्या है? बौद्ध धर्म। गांधार शैली की भी है बौद्ध धर्म। मथुरा शैली की शैली कौन सी है? मौलिक शैली। गांधार शैली में विदेह शैली या मिश्रित शैली? विदेह शैली या मिश्रित शैली है गांधार शैली में, और मथुरा शैली में मौलिक शैली। कलाकार, कलाकार भारतीय था मथुरा शैली में, इसमें विदेशी था। गांधार शैली का कलाकार कौन था? विदेशी था। पत्थर, तो मथुरा शैली में तो पत्थर है, लाल बलुआ पत्थर उपयोग हुआ है विद्यार्थियों। गांधार शैली में काला रंग का स्लेटी या सलेटी पत्थर, इसी को स्लेटी भी बोलते हैं या सलेटी भी, आपकी इच्छा जो बोल देना, ये एक ही बात है, लिखा हुआ एक ही है। काले रंग का स्लेटी पत्थर उपयोग में हुआ। मूर्तियां, बुद्ध की प्रथम मूर्ति का निर्माण, बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण, इसमें बुद्ध की मथुरा शैली में विद्यार्थियों बुद्ध की प्रथम मूर्ति का निर्माण हुआ, जबकि गांधार शैली में बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण हुआ है। फिर विद्यार्थियों सीधा पॉइंट लिखा है मैंने, इस शैली में मूर्ति को पवित्र व आध्यात्मिक बनाने का प्रयास किया गया है, जबकि गांधार शैली में इस शैली में शारीरिक सौंदर्य पर बल दिया गया है। गांधार शैली में शारीरिक सौंदर्य यानी सुंदर मूर्ति बनाने पर बल दिया गया है, जबकि मथुरा शैली में इस शैली में मूर्ति को पवित्र व आध्यात्मिक रूप पर बल दिया गया है। तो विद्यार्थियों मथुरा शैली, गांधार शैली दो शैली है बौद्ध धर्म में मूर्ति की। बौद्ध धर्म की मूर्तियां मेन हेडिंग ये रहेगी हमारी। फिर भारत में मूर्ति कला की दो शैलियां प्रचलित हुई है, जो कि निम्नलिखित है। कितनी विद्यार्थियों? दो। कितनी? दो शैलियां। कौन कौन सी? मथुरा शैली, गांधार शैली। मथुरा शैली का तो एक ही नाम है, गांधार शैली को और बोलते हैं इंडो ग्रीक शैली। क्या बोलते हैं? इंडो ग्रीक शैली। फिर है विद्यार्थियों, यहाँ तो मैं लिखूंगी क्या क्या देखेंगे हम, और यह है दोनों में अंतर। विषय वस्तु बौद्ध धर्म शैली, मौलिक शैली, विदेश शैली या मिश्रित शैली। कलाकार भारतीय था जबकि इसमें विदेशी था। पत्थर, इसमें लाल बलुआ पत्थर का उपयोग हुआ है जबकि इसमें काले रंग का स्लेटी पत्थर का उपयोग हुआ। इसमें मूर्तियां, बुद्ध की प्रथम मूर्ति का निर्माण हुआ, इसमें बुद्ध की सर्वाधिक यानी ज्यादा सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण हुआ। इस शैली में मूर्ति को पवित्र व आध्यात्मिक बनाने का प्रयास किया। इस शैली में शारीरिक सौंदर्य पर बल दिया गया है। तो विद्यार्थियों आपको शायद अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप अच्छे से नोट बना लो, लिखो। आपको हेडिंग बनानी है बौद्ध धर्म की मूर्तियां, फिर इसके आगे लिखना भारत में मूर्ति कला की दो शैलियां प्रचलित है हुई है, जो कि निम्नलिखित है। फिर आप ऐसे एक अच्छा सा डायग्राम बनाना विद्यार्थियों, जिसमें एक तरफ तो ये विषय वस्तु वगैरह लिखनी है, तीन डब्बे बनाने, आपको तीन भाग में बांटना है इसको। फिर लिखना मथुरा शैली, फिर लिखना गांधार शैली, गांधार शैली को बोलते हैं इंडो ग्रीक शैली। फिर लिखना विद्यार्थियों विषय वस्तु मथुरा शैली में बौद्ध धर्म, तो इसमें भी है बौद्ध धर्म। फिर शैली, मथुरा शैली की शैली कौन सी है? मौलिक शैली।
गांधार शैली में विदेशी शैली या मिश्रित शैली, फिर कलाकार इसमें है भारतीय जबकि गांधार में है विदेशी, फिर पत्थर कौन से पत्थर का उपयोग लिया गया है, तो मथुरा शैली में लाल बलुआ पत्थर, गांधार शैली में काला रंग का स्लेटी पत्थर, फिर मूर्तियां तो मथुरा शैली में बुद्ध की प्रथम मूर्ति का निर्माण, गांधार शैली में बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण, फिर सीधा पॉइंट लिखना इस शैली में मूर्ति को पवित्र व आध्यात्मिक बनाने का प्रयास किया, जबकि गांधार शैली में लिखना नीचे विद्यार्थियों इस शैली में शारीरिक सौंदर्य पर बल दिया गया। शायद आपने अच्छे से नोट्स बना लिया होगा विद्यार्थियों, चलो आगे चलते हैं। अगला और लास्ट पॉइंट है विद्यार्थियों बौद्ध धर्म के शिक्षा के अंदर।
आगे देखो विद्यार्थियों, लास्ट पॉइंट कौन सा है? बौद्ध धर्म के शिक्षा केंद्र। बौद्ध धर्म में शिक्षा केंद्र कौन कौन से थे, यानी स्कूल कौन कौन सी थी, कॉलेज कौन कौन सी थी, मतलब शिक्षा केंद्र कौन कौन से थे। तो पहला है नालंदा विश्वविद्यालय बिहार। कौन सा है? नालंदा विश्वविद्यालय जो कहाँ है? बिहार में। जिसका निर्माण किसने करवाया था? कुमार गुप्त ने। किसने करवाया था विद्यार्थियों? कुमार गुप्त ने। किसने? कुमार गुप्त ने। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार ये भारत का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। प्राचीन यानी पुराना। भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है विद्यार्थियों? ये प्रश्न आ सकता है, कई बार आया हुआ है, जरूरी नहीं है ये बौद्ध धर्म, ये इसे अलग भी पूछ सकते हैं, ऐसे ही प्रश्न आ सकता है बेसिक। ये भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा? नालंदा विश्वविद्यालय जो कहा है बिहार में। फिर एक नोट्स मैंने और लिखा है विश्व का, ये तो भारत का, विश्व का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? तक्षशिला। जो कहा है? तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान, जो अब कहा है? पाकिस्तान। पहले भारत पाकिस्तान एक ही था विद्यार्थियों, अब ये पाकिस्तान में चला गया। कौन सा? विश्व का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय, पूरे विश्व का सबसे पहला सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? तक्षशिला। कौन सा? तक्षशिला, तक्षशिला, तक्षशिला। हम एग्जाम में जाते हैं तो क्या ले जाते हैं? तख्ती ले जाते हैं, ऐसे याद रख लेना, तक्षशिला, तक्षशिला, तख्ती की बहुत जरूरी होती है तक्षशिला। फिर ऐसे की नगर विद्यार्थियों, औदमपुरी विश्वविद्यालय बिहार में। कौन सा? औदमपुरी विश्वविद्यालय, यानी बौद्ध धर्म का विश्वविद्यालय। एक था नालंदा विश्वविद्यालय, दूसरा है औदमपुरी विश्वविद्यालय जो बिहार में है, जिसका निर्माण गोपाल पाल ने करवाया था। गोपाल पाल ने निर्माण समझो, या कौन से राजा के टाइम हुआ था ऐसे समझो, गोपाल पाल ने। फिर है विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार में, धर्मपाल ने करवाया था विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो नीचे नोट्स लिखना, भारत में बौद्ध धर्म को सर्वाधिक संरक्षण देने वाला, सर्वाधिक संरक्षण देने वाला पाल वंश है। कौन सा? पाल वंश, गोपाल पाल, धर्मपाल, पाल वंश। ये आपके दिमाग में आएगा ये पाल वंश क्या है, तो जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा पाल वंश क्या है। तो विद्यार्थियों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बना लो, चलो आगे चलते हैं। लिखो लिखो, बौद्ध धर्म के शिक्षा केंद्र। एक नंबर लिखना नालंदा विश्वविद्यालय बिहार, कुमार गुप्त। नीचे नोट्स लिखना, ये भारत का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। फिर एक और नोट्स लिखना, विश्व का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान। सेकेंड नंबर लिखना औदमपुरी विश्वविद्यालय बिहार, गोपाल। थर्ड नंबर लिखना विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार, धर्मपाल। नीचे नोट्स लिखना, भारत में बौद्ध धर्म को सर्वाधिक संरक्षण देने वाला पाल वंश के शासक थे। कौन थे? पाल वंश के शासक। तो विद्यार्थियों ये था हमारे बौद्ध धर्म के, बौद्ध धर्म जिसको मैंने बहुत अच्छी, बहुत डिटेल से पढ़ाने की कोशिश की। शायद कोई यूट्यूबर मैंने मेरे ध्यान से इतना डिटेल से नहीं पढ़ाया जितना आपको मैंने, एक एक बात मैंने पढ़ी है, एक एक बात आपको मैंने पढ़ी है विद्यार्थियों। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना विद्यार्थियों, और शेयर भी करना। नहीं लगा है तो वीडियो मत देखना, कोई जरूरी जबरदस्ती किसी पे नहीं है। मैंने विद्यार्थियों बहुत अच्छे से पढ़ाने की कोशिश की, सच में इतना डिटेल से आपको शायद कोई नहीं पढ़ेगा जितना डिटेल से मैंने पढ़ाया। मेरे गुरुजी ने हमें पढ़ाया था, क्योंकि हमारे गुरुजी बोलते थे विद्यार्थियों कि मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ जो एग्जाम में आ, पढ़ो उससे जो हमें सच में एग्जाम में आ सके, पढ़ो उससे जो एग्जाम निकाल सके हमारा, ऐसे मत पढ़ो कि शॉर्ट शॉर्ट शॉर्ट। विद्यार्थियों आजकल क्या ये यूट्यूब इंस्टाग्राम लेके उठ गए, शॉर्ट 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 नोट शॉर्ट, सिर्फ शॉर्ट से काम नहीं चलता है, डिटेल से पढ़ेंगे तो हमारे एग्जाम में जो प्रश्न आएगा हमारे दिमाग में आएगा और हम लिख लेंगे, सही हो जाएगा। तो विद्यार्थियों बहुत डिटेल से पढ़ा था हमने आज, बौद्ध धर्म हमारा पूरा हो गया। अब हम क्या पढ़ेंगे उससे पहले मैं एक बार आपको बौद्ध धर्म पूरा डिटेल से एक बार हम फिर से रिपीट कर लेते हैं जल्दी जल्दी, शॉर्ट शॉर्ट। अब हम पढ़ेंगे शॉर्ट शॉर्ट क्या क्या पढ़ा है, फिर हम पढ़ेंगे जैन धर्म। अब मैं आपको साथ ही साथ प्रश्न करते जाऊंगी, साथ ही साथ हम लिखते जाएंगे। Thank you.
अब देखो विद्यार्थियों, हम देखेंगे पूरा क्या क्या पढ़ा हमने। पढ़ा था सबसे पहले बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ, बुद्ध का जन्म 563। ये क्यों राइट विद्यार्थियों, इतने तो हमने पॉइंट पढ़े हैं जो इतने ही लोग पढ़ाते हैं। मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ सब इतने पढ़ाते हैं, जो मैंने जहाँ से मैंने पहले पढ़ा था, फिर मुझे अच्छे गुरु जी मिले थे जिससे मैंने डिटेल से पढ़ा रहा। अब आपको मैं डिटेल से पढ़ा रही हूँ। वाकई में बड़ी बड़ी संस्थाओं में नाम नहीं लेना चाहती हूँ, इतना ही सिर्फ इतना ही पढ़ाते हैं। और विद्यार्थियों इतना डिटेल से नहीं पढ़ाते, पता ही नहीं चलता। अब हम पूरा डिटेल से पढ़ा तो ये हमारे, जब हमने पूरा डिटेल से पढ़ा तो विद्यार्थियों ये हमारे लिए पर्सन हो गए, वरना हमें कुछ समझ में नहीं आता। तो देखो बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धांत, जन्म 563, पिता सुजोधन, माता महामाया, पालन पोषण गौतमी, विवाह यशोधरा, पुत्र राहुल, ग्रह त्याग 29 वर्ष, गुरु बनाया आलार कालम को जो सांख्य दर्शन के ज्ञान प्राप्त हुआ दिन से, तपस्या 5 शिष्यों के साथ, ज्ञान प्राप्त 33 वर्ष की आयु में, उपदेश प्रमुख शिष्य, मृत्यु उपदेश किसको दिया था अपने प्रमुख 5 शिष्यों को, मृत्यु 483 80 वर्ष में, फिर शिष्य बोल पढ़ा था, फिर हमने शिष्याएं पढ़ा था, फिर शिक्षाएं, फिर अष्टांगिक मार्ग, फिर त्रिरत्न, फिर त्रिशरणम, फिर बौद्ध संहित जो 4 पढ़ी थी हमने, फिर बौद्ध धर्म के 2 भाग हीनयान महायान, फिर बौद्ध धर्म में प्रतीक चिन्ह पढ़ा था, फिर बौद्ध धर्म के स्तूप सांची का स्तूप, बर्फबुद्ध का स्तूप, 2 वेरी मोर्स थे, फिर बौद्ध धर्म की मूर्तियां, फिर बौद्ध धर्म की शिक्षा केंद्र। तो विद्यार्थियों इतने पॉइंटों में हमने बहुत डिटेल से पढ़ा है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। जब तक